हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या है टॉपिक? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो हमने लास्ट चैप्टर बता चुके हैं आपको कि बिजनेस क्या होता है, आज बताने जा रहे हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। अब फिर बताएंगे कंबाइंड के बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो बिजनेस बता चुके हैं हम लोग, किसी भी काम को करने में एंगेज रहते हैं हम लोग, उससे अर्निंग प्रॉफिट होती है या रुपए कमाते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस। और कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संप्रेषण। दैट मीन्स जब दो व्यक्ति आपस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर के, किसी काम को लेकर के जब आपस में बात करते हैं, अपने इमोशंस को, पिक्चर्स को, डायग्राम्स को, या बहुत सी चीजें हैं जो एक दूसरे को शेयर करते हैं, क्यों? इंफॉर्मेशन देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करने के लिए, या आप कह सकते हो वो सारी चीजें जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, या कोई दूसरा पर्सन एक पर्सन को एक्सचेंज या देता है, लेता है। फोटोज, पिक्चर्स, गेस्चर्स, फोटोज हो गई, पिक्चर्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, ऑर्डर हो गए, इंफॉर्मेशन, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है, दूसरा पर्सन एक पर्सन ट्रांसफर करता है, या दोनों पर्सन के बीच में जो बातचीत होती है उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, डेटा इज एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स और विच इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन और फर्म्स इन फॉर्म ऑफ फोटोज, डायग्राम्स, मैसेजेस, पोस्टर्स एंड वीडियोज एटेस्ट। तो ये सब चीजें क्या है कि जब बात कर रहे हैं कि दो पर्सन एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को एक दूसरे से, वो बिजनेस से रिलेटेड, तो अब वो चीज बन जाएगी बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझाया गया कि दो पर्सन एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जब वहां पर बिजनेस जुड़ जाता है तो वो कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन तो समझा गया कि हाँ बिजनेस कम्युनिकेशन होता है, लेकिन क्यों होता है, इसके फीचर्स क्या है? तो फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के, इसमें आप देख लेते हैं फीचर्स क्या है। तो फीचर्स क्या होते हैं कि फीचर्स का मतलब क्या है? किसी के बारे में बताना। तो दो पर्सन होते हैं, एक्सचेंज ऑफ वीडियोस एंड इंफॉर्मेशन होती है, टू वे प्रोसेस होती है, दैट मीन दो पक्षी है, ठीक है, ताकि दोनों साइड से बातचीत होती है। फिर बात करते हैं कम्युनिकेशन से डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, ये इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट होता है। फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन करने से क्या होता है कि किसी भी काम को करने, जो प्रोजेक्ट है वो आपका इजिली में हो जाता है। ठीक, इजिली में हो जाने के बाद फिर क्या होती है कि आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन करने से जो चीजें हैं हमारी, तो उसमें आप कह सकते हो कि एक प्रेस्क्राइब हुई सारी चीजें हो जाती हैं। फिर कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप कम्युनिकेशन में आप कह सकते हो कि जो कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या फीचर्स होते हैं, तो एक अंडरस्टैंडेबल चीजें होनी चाहिए जो फीचर है इसका। फिर क्या है, कंपेरेबल होनी चाहिए कि अगर आपको आपसे कोई बात कही जा रही है तो उसका एक कंपेरिजन होना चाहिए। कंपेरिजन के बाद क्या चीजें होती है कि आपका कम्युनिकेशन किसी से कर रहे हो तो वो रिलायबल होनी चाहिए, रिलीवेंस होनी चाहिए। तो ये सारे डेटा है जो एक फीचर्स बेसिस पे काम करते हैं कम्युनिकेशन पर। अब फीचर तो जान लिया, लेकिन अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है कम्युनिकेशन का बिजनेस में? तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज है एक दूसरे से लेते हैं या देते हैं, एक्सचेंज करते हैं कोई इंफॉर्मेशन या डेटा, तो सबसे पहली चीज होती है कि वो चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो कन्वे हो रही है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर, इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर। हम लोग ऑर्डर कन्वे करते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करने की वजह से बात करते हैं, लेकिन मेन चीज यहां पर ये हो रही है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो रही है। अब जब डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी तो कोई काम करने में इजी, जल्दी काम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो बिजनेस की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होती है। अब यह बात हो रही है कि कम्युनिकेशन कर तो रहे हैं हम लोग, ठीक, अच्छी बात है कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हर चीज होती है,
लेकिन अब यहां पर बात ये हो रही है कि कम्युनिकेशन कर ली भैया, लेकिन कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है, कम्युनिकेशन के बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की जा सकती है, तो बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमें कम्युनिकेशन के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन कितने टाइप्स की होती है। तो कम्युनिकेशन बेटा क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे ओरल, रिटन, गेस्चर फॉर्म, या आप कह सकते हो साइन लैंग्वेज फॉर्म। तो चार टाइप्स बेटा होती हैं हम लोगों की कम्युनिकेशन, जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो ओरली कहा, किसी ने सुना ओरली सुना। अब जब आप किसी को लिख करके देते हो तो रिटन फॉर्म हो जाती है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होता है, आप रोड पर जाते हो तो लिखा होता है डेंजर, एक फोटो बनी होती है, क्रॉस का साइन बना होता है, कि मतलब जिसका मतलब क्या है कि ये एरिया डेंजर एरिया है, यहां पर आपको जाना अलाउ नहीं है, ठीक। फिर क्या होता है कि एरोज बने होते हैं कि डायरेक्शन बेसिस पर, तो क्या है वो आपसे कोई मिल तो नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है, ना आपको लिखित पे कोई दे रहा है, बट क्या है साइन लैंग्वेज बनी हुई है, डायरेक्शन बने हुए हैं, उसे साइन लैंग्वेज कहते हैं। गेस्चर क्या होता है कि लोगों के या बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए पहचान लेते हो कि वो व्यक्ति गुस्सा है, खुश है, या वो किस माहौल में है, कि क्या उसकी मेंटली चल रही है इसमें। तो गेस्चर फॉर्म क्या होता है कि किसी के पोस्चर को देख करके आप पहचानते हो कि कम्युनिकेशन कैसी क्या होती है। अब यहां बात करते हैं कि बैरियर्स कौन से होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। तो बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, तो वो हमारे होते हैं साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। तो इतने तरीके के ना बैरियर्स होते हैं किसी कम्युनिकेशन के बीच में। पर्सनल बैरियर के साथ कि हमारी किसी से लड़ाई है, उससे कुछ कह रहे हैं, वो हमारे साथ अर्चना कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि सपोज दैट कोई दो दोस्त है, घर में तो फ्रेंड है, लेकिन जब ऑफिस में जाते हैं तो क्या होता है, वो बिल्कुल फ्रेंडली बात नहीं करते। तो क्या चीजें हैं कि जब आप फ्रेंडली बात नहीं करोगे तो क्या चीजें हो जाएंगी हमारी बेसिस पर, कि जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा तो वो फ्रेंडशिप को ध्यान में नहीं रखेगा। जब फ्रेंडशिप ध्यान में नहीं रखी जाएगी तो क्या होगा, एक फॉर्मल रिलेशनशिप बना रहेगा। सिमेंटिक में क्या होता है कि वो कहना चाह रहा है कुछ और, समझ कुछ और होता है। साइकोलॉजिकल क्या होता है कि इमोशंस नहीं मैच करते, ठीक। तो इन सभी की मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी आपको, केवल समझा रहा हूं कि साइकोलॉजिकल क्या होता है कि कहना कुछ और चाह रहे हैं, वो समझ कुछ और आ रहा है। सिमेंटिक क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं, हम किसी और इमोशन से कह दिया कि हम कह रहे हैं कि भैया उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो इमोशन नहीं ले रहे हैं, वो ऐसा उसको मजाक ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल क्या है कि कोई फ्रेंड्स हैं, घर पर फ्रेंड्स हैं या अपनी कॉलोनी के फ्रेंड्स हैं, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, वो कोई फ्रेंड्स नहीं होते। पर्सनल क्या होता है, हमारा पर्सनल बायस है, पर्सनल दुश्मनी चल रही है, तो हमसे कुछ कह भी रहे हैं तो उस बात को ट्रस्ट नहीं कर रहे, मान नहीं। तो ये सारी चीजें थी हमारी जिन पर हम बात करनी थी, तो इन सब चीजों पर बात कर रहे हैं और इन सभी चीजों को बताएंगे कि क्या चीजें हम लोग बता दें। अब यहां पर बात करेंगे हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि कैसे कम्युनिकेशन के बैरियर की जो प्रोसेस होती है वो कैसे काम करती है। कम्युनिकेशन की वजह से और चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें हैं, कैसे क्या चीजें नहीं होती है, ठीक। तो आज की हमारी वीडियो है वो कम्युनिकेशन की फंडामेंटल बेसिस पे जो बात की है हम लोगों ने, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।